नमस्कार, मैं शमशी फिरदौस, आप देख रहे हैं बिहार टीवी। निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने के बाद महिलाओं और युवतियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बिहार शरीफ के बिजली कंधक पर स्थित गणेश गली मोहल्ले में महिलाओं और युवतियों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा खुशी का इजहार किया। इस मौके पर महिलाओं ने बताया कि देर से इसे ही मगर उन चारों दरिंदों को फांसी की सजा मिली। इन लोगों को फांसी की सजा मिलने से लोगों को न्यायालय के प्रति विश्वास बढ़ा है और जो भी इस तरह की शर्मनाक हरकत करता है उन्हें सबक जरूर मिलेगा। इसके पूर्व हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया था, उस वक्त भी हम लोगों को खुशी मिली थी और आज जब इन चारों को फांसी पर लटकाया गया तो खुशी अधिक मिली है। इस तरह के पापियों को इसी तरह की सजा अवश्य मिलनी चाहिए, तभी बलात्कार जैसी शर्मनाक घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। धन्यवाद। इसी प्रकार की ताजा खबर तुरंत पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। आज हम लोग सब बहुत खुश हैं और इस खुशी में हम लोग सब एक दूसरे को गुलाल और रंग लगा करके बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन आज निर्भया को न्याय मिला है। आज हम लोग निर्भया न्याय दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम लोग सब बहुत खुश हैं। देश के बेटियों को इस रक्षा होगी और दोषियों को, आरोपियों को सबक मिलेगा। इस तरह के कार्य करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अधिवक्ता तेजस्विता राधा है। उन दोषियों को जो लोगों को लगता था कि कभी न्याय नहीं होगा, लोगों को हमेशा अविश्वास लगता रहा कि कभी न्याय नहीं होगा, लेकिन आज देर से ऐसा ही लेकिन न्याय मिला है। और उन गुनहगारों को भी पता चले था कि ऐसा करने से पहले 10 बार पहली बार सोचे। मेरा नाम आशा कुमार है, स्टूडेंट हूँ और मैं इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लोगों को सोचना चाहिए कि अपनी सोच बदलनी चाहिए, तो माँ बाप को अपने बेटों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो दूसरे को रुलाए ना। सब कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन लड़के दूसरे को रुलाए ना। इन बातों पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि देश या न्यायाधीश बस फैसला कर सकते हैं, लेकिन सोच बदलने से ही भारत बदलेगा। तो सोच बदलेगा।